कलेक्टर को भी कहना चाहूंगा और कमिश्नर को भी, अगर कोई गड़बड़ कर रहा है, करप्शन में लिप्त है, तो उसकी जानकारी तत्काल मुझे दे। मैं ऐसे लोगों को नहीं छोड़ूंगा किसी भी कीमत पे, लेकिन जानकारी आनी चाहिए। कलेक्टर को खुद अधिकार है, कलेक्टर खुद कार्रवाई करे। करप्शन पे जीरो टॉलरेंस। कोई भी हो अगर पैसा खाए, हमें बर्दाश्त नहीं करना, उसके खिलाफ एक्शन इज मस्ट। और कोई बड़ा है तो मुझे खबर कर दे, मैं जिला स्तर का भी कोई अधिकारी गड़बड़ करे तो मैं उसे नहीं रहने दूंगा, और जो एक्शन होगी जरूरी वो मैं लूंगा। क्योंकि ओवरऑल जब पूरे जिले को हम देखते हैं तो स्थिति संतोषजनक हमारे जिले के सामने आई है मेरे, लेकिन कई बार ये परसेप्शन सा बनता है नीचे जनता के बीच से, तो आप ये देख लीजिए। सुना आपने, एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ये कह रहे हैं कि अगर कोई भी कलेक्टर करप्शन में लिप्त पाया जाएगा तो वह उसे नहीं छोड़ेंगे, और करप्शन को लेकर उनकी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। इस पर आपको यह बता दें कि एक स्पेशल ब्रांच होती है, आईबी होती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करती है, और एसबी, डीएसबी सहित कई और ऐसी विंग होती हैं जो करप्शन पर काम करती हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात आपको बता दें कि लोकायुक्त में ट्रैप कई अधिकारी प्रदेश में जिले के प्रमुख विभाग के अधिकारी बने बैठे हैं। ऐसे में शिवराज सिंह चौहान के इस तरह के बयान पर विपक्ष चुटकी लेता है। आपको यह भी बता दें कि ऐसी सैकड़ों फाइलें हैं करप्शन की जिन पर कार्रवाई की जा सकती है, वो ऑलरेडी शासन के पास होती है। लोगों ने कहा यह बहुत अच्छी बात है अगर शिवराज सिंह चौहान ऐसी पहल करते हैं कि अगर कलेक्टर जैसा अधिकारी भी भ्रष्टाचार में लिप्त है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, और उन्हें करनी भी चाहिए। पिछले दिनों उन्होंने मन से कुछ कलेक्टर को इस तरह की शिकायतें आने के बाद मौके से ही हटा दिया, और उनके वे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुए। लोगों ने इस बात की तारीफ भी की कि करप्शन होना नहीं चाहिए। वैसे जो योजनाओं का पैसा है वो जनता का होता है, जनता तक स्कीम के माध्यम से आता है। ऐसे में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सबसे पहले यह करना चाहिए कि जो करप्शन की फाइलें बड़े अधिकारियों के उनके पास मौजूद हैं, तत्काल प्रभाव से उनका उनकी जाँच का निष्कर्ष निकाल कर अधिकारियों पर कार्रवाई करें। और जो आपको यह भी बता दें, लोकायुक्त के ट्रैप अधिकारी हैं, लोकायुक्त और लोकायुक्त की जिन पर जांच चल रही है, लोकायुक्त में फंस चुके हैं, रंगे हाथों रिश्वत लेते गिरफ्तार हो चुके हैं, ऐसे अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से जो विभाग के मुखिया वो जिले में बने बैठे हैं उन्हें हटाया जाए। तब लोगों को लगेगा कि उनकी कथनी और करनी में अंतर नहीं है, लेकिन उनके इस बयान की तारीफ भी की जानी चाहिए कि कम से कम वो इस विषय में सोचना तो शुरू किए। जी हाँ, खंडवा में पहली बार द सिंगापुर सिटी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।